हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं क्रिसमस की लाइटिंग से। उसके पहले आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी बहुत सारी बधाइयाँ एंड मैरी क्रिसमस, हैप्पी हॉलीडेज एंड सो मच है क्रिसमस की बधाइयाँ। तो चलिए फ्रेंड, आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्रिसमस की लाइटिंग। यहाँ पे हम लोग गए थे घूमने के लिए, पास में ही एक क्रिसमस टाउन है जहाँ पे हम लोग ये लाइटिंग देखने गए थे, जिसमें कि सारा विलेज के हर एक घर जो होते हैं ना, काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाए होते हैं और हर एक घर एक दूसरे से डिफरेंट होता है और बिल्कुल अलग अलग थीम होता है घरों को सजाने का। तो आज के ब्लॉग में आपके साथ यही शेयर करूँगी। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी, आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये मैं आपके साथ कुछ हाईलाइट शेयर कर रही हूँ और डिटेल्स भी आप आगे के वीडियो में देखेंगे कि ये क्रिसमस विलेज कैसा लगा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो हम लोग गए थे ना, एक दिन गए थे ये कार के में गए थे कार से, तो उतना एंजॉय नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि हम लोग कुछ देख ही नहीं पाए, तो कार से ही बैठ के कुछ क्लिप्स लिए। तो जो ये क्लिप्स है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत क्लिप्स है और इतने फास्ट कार जा रहा था तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो फिर दूसरे दिन हम लोग सोचे कि फिर से जाएंगे और फिर से क्रिसमस टाउन घूमेंगे और वहाँ पर पूरा डेकोरेशन को कैप्चर करेंगे। तो इसी तरह से हम लोग कार में देखे कितना फास्ट मूव हो रहा, कुछ भी अच्छे से नहीं इंजॉय हो रहा है। तो हम लोग ना दूसरे दिन गए थे देखने के लिए। तो ये देख सकते हैं, ये है व्यू दूसरे दिन का। जब हम लोग गए थे वॉकिंग करके, हम लोग अपने गाड़ी को पार्क कर दिए थे। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग इंजॉय कर रहे थे, वॉकिंग कही है, पूरा विलेज में वॉकिंग कर करके घूम रहे थे। उसके बाद सारा हर एक घर में, पूरा तो नहीं कैप्चर करता बट कुछ जो व्यूज है, जो कि जो घर काफ़ी खूबसूरत था, काफ़ी अच्छे तरह से डेकोरेट किया गया था, उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा सा शूट किया। तो इसमें से कुछ घर तो नहीं, सारे घर अच्छे थे बट मैंने इतना ही जो कुछ रिकॉर्ड की हूँ, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। आप बताइएगा कमेंट में कैसा लगा है यहाँ का डेकोरेशन। तो इस विलेज की सबसे ख़ास बात क्या है ना, कि इसमें हर एक घर काफ़ी अच्छे तरह से सजाया जाता है, आगे से लेके पीछे तक पूरा। इनके जो फ्रंट से बैक होते हैं, जितना घर के में इतनी लाइटिंग्स होती है कि काफ़ी अच्छा लगता है। ये विलेज ही पूरा एकदम लाइट के तरह जैसे लगता है। तो बहुत लोग सेंटा लगाते हैं, बहुत लोग लाइटिंग लगाते हैं, तो डिफरेंट तरह से डेकोरेट करते हैं, किस तरह से इनका घर किस तरह से उनके अकॉर्डिंग टू अपने चॉइस से डेकोरेट करते हैं। तो देख सकते हैं ये वाला घर कितना अच्छा लग रहा है और हम भी यहाँ पे बैठ के फ़ोटो क्लिक करा रही थी, मैं भी उसका ना फ़ोटो ले रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे ये जो डियर है ना, ये डियर हम भी को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो डियर के पास हम लोग भी आके ना पिक्चर क्लिक किए। फिर जाके उसके बाद हम लोग फिर ये वॉकिंग करते हुए घूमते गए। तो एक और घर में देखिए, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब घर, तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप ले रही थी। तो इतना मतलब बहुत ही बड़ा विलेज होता है, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, तो कुछ ही है जो रिकॉर्डिंग कर पाए। और यहाँ पे एक पोलर बेयर लगाया गया था जिसके ऊपर पेंगुइन्स लगा हुआ था और यहाँ पे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे ये पोलर बेयर और पेंगुइन को देख के। अम्मी भी यहाँ पे गई थी पिक्चर क्लिक कराने के लिए, तो हम लोग उसका भी पिक्चर क्लिक किए और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। बहुत ही बड़ा सा पोलर बेयर था, उसके बैक पे तीन पेंगुइन थे और काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया गया था। इसके आसपास में काफ़ी लाइट्स लगे हुए थे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अभी एक और घर है जिसके पास ये जो लाइटिंग है बिल्कुल क्रिसमस ट्री के जैसा बनाया गया है और इसको यहाँ पे इसके लाइट्स गिफ्ट्स बहुत सारे लगे हुए हैं और यहाँ पे भी हम भी अपना फ़ोटो क्लिक करवा रही है।
और ये घर देखिए, ये भी घर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये सब नया घर बना हुआ है इस एरिया में, तो ये सब पहले नहीं था, अभी ये नया घर बना है। एक्सटेंडेड कम्युनिटी है तो ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था इधर यहाँ पे घूमते हुए। और यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं, बुशेस होते हैं, इन सबको हर एक ट्री को सजाया जाता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये घर जो है ये कैंडी कैन का थीम पे है, जिसमें सारा कैंडी कैंडी ही है। और इस घर में जो लेडी थी से भी बच्चों को कैंडी भी दे रही थी, तो अम्बी भी गई है, उसे भी कैंडी मिला है, वो भी कैंडी लेके आई है अभी। तो इनके लाइटिंग देखिए पूरा डिटेल से विद कैंडी कैंडी थीम पे है। और कुछ तो ये चर्च चर्च वाला थीम है इनके। और ये है जिंजर ब्रेड मैन हाउस, और ये रहा पूरा सिटी। और यहाँ पे ये वाला घर भी काफ़ी खूबसूरत लगा था, यहाँ पे ये ट्रेन लगा दिए थे, तो ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। ये ट्रेन के आसपास छोटे छोटे घर बनाने लगा दिए हैं डेकोरेशन के हिसाब से। तो ये रहा छोटा मोटा लाइट है, छोटे मोटे डेकोरेशन है, छोटा मोटा छोटा सा विलेज है जो कि हम लोग जाते हैं एंजॉय करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। इसी कम्युनिटी में एक लेक भी है, लेक में जो ये लाइटिंग लगे हुए हैं पता नहीं कैसे लगाए हुए हैं, बट ये इसका जो पानी है ना बिल्कुल भी उतना नहीं हिल रहा है। और आप देख सकते हैं जो लाइट से उसका रिफ्लेक्शन पूरा पानी पे दिख रहा है, तो बहुत बहुत ही सुंदर लग रहा था। बीच में भी वो जो लाइट लगा हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा था, और काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कलर के लगे हुए थे, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये पूरा कम्युनिटी है, काफ़ी अच्छा लगता है, लोग आते हैं एंजॉय करते हैं, हम लोग भी गए थे एंजॉय करने। तो ये रहा आज का ब्लॉग में हमारा लाइटिंग जो हम लोग देखने गए थे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।